वेलकम टू एसएन चौधरी फिजिक्स क्लासेस फॉर क्लास 11th. आई हैव स्टार्टेड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यस्टरडे आई टॉट यू अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. हमने पिछले क्लास में आपके न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ समझाए थे. आज हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ से स्टार्ट करते हैं. अब ये न्यूटन सेकंड लॉ में क्या क्या चीज़ आते हैं, क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ एफ इक्वल टू एम ए. बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन मोस्टली बच्चे न्यूमेरिकल बनाने में गलती करते हैं. इसके बनाने के दो मेथड्स हैं, 9th क्लास के लिए अलग और 11th क्लास के लिए अलग. यदि आप दोनों मेथड में किसी से भी बना सकते हो लेकिन 11th के टीचर चाहते हैं यूज कैलकुलस मेथड यूज करो. यहाँ पर देख लो न्यूटन्स न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. अब इसमें आपके जैसे बनाते हो देख लो, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट देना है. तो पेपर में मोस्टली बच्चे लिखना नहीं जानते थे, हेडलाइन ये डाल दिए, इसके ऊपर क्वेश्चन का लाइन खींच देंगे जो मान लो हम आंसर लिख रहे हैं यहाँ से. अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. एंड यहाँ पर देखो एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये जो चेंज होगा इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स के रूप में चेंज होगा. जैसे जिधर फोर्स लग रहे हैं उसी डायरेक्शन में इसमें चेंज होगा. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आपने ये लॉ लिख दिया. अब इसका मेनली कहता है एक्सप्लानेशन यहाँ हेडलाइन डाल दो एक्सप्लानेशन, अंडरलाइन कर दिए. दिस लॉ हैज टू पार्ट्स. इस लॉ के टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज यहाँ पर द रेट ऑफ यहाँ से लेके अप्लाइड फोर्स तक. फर्स्ट पार्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड फोर्स तक. यहाँ पर पूरा लॉ लिखने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट पार्ट इज दिस पार्ट दिस पार्ट्स गिव्स अस या दिस पार्ट एक्सप्लेन्स हाउ टू मेजर फोर्स. इस पार्ट से आपको क्या पता चलता है, दिस पार्ट एक्सप्लेन्स हाउ टू मेजर फोर्स. जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई फोर्स. अप्लाई जितना चेंज होगा वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा.
तो इसके दो पार्ट हो गए, टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज रेट से लेके, जहाँ देखो रेट से शुरू किया हमने और लास्ट में अप्लाइड फोर्स तक आ गए, यहाँ तक एक पार्ट कहलाते हैं। अब इस पार्ट से हमें क्या पता चलता है, दिस पार्ट एक्सप्लेन्स हाउ टू मेजर फोर्स। अब यहाँ पर मेजरमेंट नीचे लिखो, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। अब फोर्स का मेजरमेंट हम करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल वे से हम बता देते हैं, आराम से आप बना सकते हो। लेट लेट मास ऑफ अ बॉडी एम वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू हमने वी लिखा, तो मोमेंटम कितना होगा बेटा, मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू हम पी लिखते हैं, दैट इज एम और वी, मास इंटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम कहते हैं, तो मोमेंटम हमारा ये हो गया। आए बात समझ में, अकॉर्डिंग यहाँ तक लिख लिए, अकॉर्डिंग टू फोर्स यहाँ भी लिख देते हैं, फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड को हमने एफ लिखा। आगे बात समझ में, ये आपके बार बार कहते मेजरमेंट ऑफ फोर्स, या ऐसे भी लिखा रहेगा एफ इक्वल टू एम ए का डेरिवेशन, ये डेरिवेशन निकालो, ये भी लिखे रह सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एफ प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, डी पी आपका चेंज इन मोमेंटम हो गया और यह हो हमारा डी टी हो गया। फोर्स चेंज इन मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या मोमेंटम हमारे पास पी था, तो डी पी अपॉन डी टी, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आए बात समझ में, अब आपके पास हो गया काम खत्म, बट P इक्वल टू आप एम भी लिखते हो, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो F प्रोपोर्शनल टू डी एम वी वाई डी टी। मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट, इसलिए M बाहर आ गया, F प्रोपोर्शनल टू M डी वी वाई डी टी, बट डी वी वाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिसको हम लिखते हैं ए। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, एफ प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। देखो बेटा लिख लिया यहाँ तक, एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब आपके एफ इक्वल टू, एफ इक्वल टू के इंटू एम ए, where where k is a constant of proportionality, k को हम क्या कहते हैं, जैसे यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन था, इसको हटा के हमने इक्वल टू का साइन डाला, तब एक कॉन्स्टेंट डालना पड़ता है जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कहते हैं। यहाँ तक नोट कर लिए। अब इसके बाद आपके आ जाते हैं, छोटा सा पॉइंट है ये, के की वैल्यू निकालना। के की वैल्यू हम कैसे करें, मान लो फोर्स भी यूनिट हो, मास भी यूनिट हो, ए भी यूनिट हो, यूनिट देख लो। नाउ यूनिट फोर्स, यूनिट फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच मूव्स, which moves a body of unit mass with unit acceleration, unit force हम उस force को कहते हैं जो unit mass के body को unit acceleration से चलाता है।
देन इसका मतलब यूनिट फोर्स एफ इक्वल टू वन, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर दिए थे, एफ इक्वल टू वन, एम इक्वल टू बी वन, ए इक्वल टू बी वन, पुटिंग पुटिंग इन फर्स्ट तो आपके वन इक्वल टू के इंटू वन इंटू वन, देखो एफ इक्वल टू के एम ए यहाँ था तो एफ के जगह पर भी हमने वन पुट किया, के की जगह पर भी वन किए, एम के वन। अब यहाँ पर इससे क्या निकल गया तो के की वैल्यू आपका वन निकल गया। पुटिंग पुटिंग इन फर्स्ट तो फर्स्ट में फिर पुट करेंगे तो एफ इक्वल टू के की जगह पर वन इंटू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, यहाँ तक आपने नोट कर लिया, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। तो आपसे पेपर में पूछते हैं क्या चीज़, सुन लो, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूफ एफ इक्वल टू एम ए, या डिराइव एफ इक्वल टू एम ए, या फाइंड रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन, इतने तरह से पूछ सकते हैं। लेकिन अभी तक ये लॉ पूरा नहीं हुआ, कभी कभी लॉ ऐसे पूछते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी आपने फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेन किया है, सेकंड पार्ट एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इधर आप लोग लिख लिए, इधर लिख लिए तो आप यहां देखो, अब इस पार्ट से हम लिख लें, देखो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट ऑफ लॉ द सेकंड पार्ट ऑफ लॉ इज, यहाँ आपने देखो यहाँ से, एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स में चेंज हो, ये पार्ट है। मोस्टली स्कूल में या टीचर यहीं तक करा के छोड़ देते हैं इस पार्ट के बारे में, तो मोमेंटम में जो चेंज होगा किधर, तो जिधर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। अब आपके क्या होगा, दिस सेकंड पार्ट ऑफ लॉ इज दिस, सॉरी दिस पार्ट एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। ये पार्ट में क्या बताता है, एक्स में प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। अब ये क्या चीज़ है बेटा, देख लो सिंपली, मान लो ये डस्टर है यहाँ पर, हमने इधर पुश किया, किसी ने इधर पुश किया, तो ना डस्टर इधर जाएगा ना इधर, एक बीच वाले डायगोनल वाले रास्ते पर जाएगा। इस तरह से एग्जांपल समझने का प्रयास करो, अब यहाँ पर फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। अब यहाँ पर हम ये बात लिखने जा रहे हैं, किसी भी बॉडी पर कई सारे फोर्स लगे हैं तो वहाँ पर फोर्स का क्या होगा, सभी फोर्स अपना अपना प्रभाव अपने अपने डायरेक्शन में डालेगा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, कोई किसी से लेगा देगा नहीं। तो इस कंडीशन में लिखते हैं, व्हेन टू और मोर फोर्सेस व्हेन टू और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन
ऑफ बॉडी बॉडी एच फोर्स प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट व्हेन टू और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी ईच फोर्स प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज इट प्रोड्यूसेस एज इट डज अलोन। अकेले में जैसे वो फोर्स लग गया तब उसने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया, कई सारे फोर्स लगाएंगे तब भी वो वही इफेक्ट करेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल दिखा देते बेटा। मान लो ये एक सीप हमने बना दिया, ये हमारे पास सीप है। अब यहाँ पर हमारे पास देख लो, यहाँ से एक हमने बॉल गिराया, स्टॉपिंग केज सीप एट रेस्ट। जब ये बॉल को हम यहाँ से गिराते हैं, यहाँ ध्यान दो पहले, बॉल को यहाँ से गिराते हैं तो बॉल कहाँ गिरेगा? गिर के यहीं पर गिरेगा। अब जब सीप चलते हैं अब ये मोशन में है, मूविंग। अब यदि हम इसके ऊपर से बॉल गिराए हैं तो ये बॉल कहाँ गिरेगा? तब भी हम देखते हैं कि बॉल वहीं गिरते हैं। जब आपने बॉल को छोड़ा तो सीप कुछ देर के बाद आगे बढ़ जाएगा तो बॉल भी उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएगा। कहने मतलब इस पर दोनों फोर्स काम करते हैं और दोनों का इसका कोई इफेक्ट नहीं है। सब अकेले में जो इफेक्ट डालता है वही ग्रुप में भी वही इफेक्ट डालता है। तो इस तरह से बेटा ये टोटल आपका एक्सप्लेन हो गया। आपसे पूछेंगे स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपको ये पूरा लिखना है। मोस्टली बच्चे ये छोड़ के आते हैं, इसके बारे में एक दो लाइन और लिख देना, मैक्सिमम हो गया। आए बात समझ में? यूनिट ऑफ फोर्सेस हमने फोर्स के चैप्टर में करा दिए थे, तो यूनिट ऑफ फोर्स यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बेटा ये टोटल मिनिमम जितना शॉर्ट हो सकता था उतने शॉर्ट में हम कर दिए हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली आस्क इन स्कूल एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में यदि हम कहेंगे एक ही क्वेश्चन करके जाओ, एक क्वेश्चन यही करके जाना है। एक से अधिक करेंगे तो और भी करेंगे, लेकिन एक ये करके जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आएगा हमारा मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आप इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा थर्ड लेक्चर है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। अब इसके बारे में हम, क्योंकि सबसे पहले हमने फोर्स बता दिए थे, फोर्स के बाद इनर्शिया और मोमेंटम बताए, फिर फर्स्ट लॉ बताए, और ये हमारा हो गया सेकंड लॉ। तो बेटा यहाँ तक आप लोग तैयारी कर लेना और मेरा पिछला वीडियो भी देखोगे, सब कुछ समझ में आया। चैप्टर कभी नहीं पढ़े तब भी कोई प्रॉब्लम है, टोटल की टोटल यही रहेगा। टॉपिक समझ में आए तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना, आपके लाइक करने से मुझे करेजमेंट मिलता है, आपके सब्सक्राइब करने से सपोर्ट मिलता है, और आपके शेयर करने से प्रमोशन मिलता है। इसलिए आप सभी से ये हैं रिक्वेस्ट है, आप करेज करो और हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। इसमें फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट डाल देना, उस कमेंट का जवाब हम विदिन 24 आवर्स दे देंगे आपको। थैंक यू।